पहले हमने दिस और दैट सीखा, दिस का मतलब ये और दैट का मतलब वो। आज हम दिस और दो सीखेंगे। एक से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम दिस और दोस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्री है, ट्री क्या है नियर और वन है, तो हम क्या लिखेंगे दिस इज ए ट्री। यहाँ पे ट्री है पर ट्री क्या है एक से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे दिस टी एच ई एस ई दिस आर ट्रीज। वहां पे ऑरेंज है और ऑरेंज क्या है फार, तो हम क्या यूज करेंगे दैट। और नेक्स्ट नीचे एक से ज्यादा ऑरेंज है तो हम क्या यूज करेंगे दोस, तो क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दैट इज एन ऑरेंज, और ये ऑरेंज एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे दोस टी एच ओ एस ई दोस आर ऑरेंजेस। अभी क्या होगा यहाँ ट्रीज है और वहां ऑरेंजेस है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे बलून है, बलून क्या है नियर और वन है, तो हम क्या लिखेंगे दिस दिस इज ए बलून। यहाँ पे बलून है पर बलून क्या है एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे दिस दिस आर बलून। नेक्स्ट यहाँ बॉल है पर बॉल क्या है फार है, तो हम क्या यूज करेंगे दैट दैट इज ए बॉल। यहाँ पे बॉल है पर बॉल एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे दोस दोस आर बॉल्स। ओके ऐसे ही आपको बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।